अरे रमेश आजा भाई एक बार। हाँ भाई बोल भाई। पीछे आ गया कर दूंगा भाई दो चार महीना में। दो चार महीना में? दो चार महीना कहते कहते तुम दो साल टपा दिए भाई। सही को नहीं सही को नहीं तो न्यू करे इस धरती ने भूल जा तू। ठीक सा धरती ने? हाँ धरती ने यह तो करे भी धरके तन पेठा रखे हैं। पर भाई ब्याज तो देने लग रहा हूँ। देख भाई तेरा ब्याज का करार का टाइम तो लिया जा। इब तेरा कर्जा या जो धरती है ना तेरी क्या है तारसी का है बस। इस धरती का अलावा और मेरे पर है के भाई? तो फिर पीछे लेने के में जरूरी थे? पीछे छोरे की पढ़ाई खातर लिए थे। मेरा छोरा पढ़ लाग रहा पढ़ लिख के कोई नौकरी लाग जाओगा तार दूंगा मैं तेरा सारा कर्जा। छोरा तेरा लाग गया कलेक्टर है। बस थोड़े दिन की मोहलत है तेरे पे नहीं तो फिर देख लिए हम के करा हाँ के नहीं करा हिसाब ला लिया अपना। हे भगवान करिए कुछ दया। बेटा मनदीप तेरे पे आस है तू अपने बाप ने निराश मत ना करिए। निराश मत ना करिए मेरे लाल। अरे यार सॉरी सालू लेट हो गया यार। तुम्हारा हमेशा का ही यही है आज कौन सी नई बात है? सॉरी बोल तो दिया और क्या बच्चे की जान लेगी। ये मजाक का टाइम नहीं है मनदीप। तो किस चीज का टाइम है अब तू बता दे। ओ मनदीप सीरियस हो जाओ और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो मैडम। आगे का क्या प्लान है? कर तो रहा हूँ तैयारी हो जाएगा कुछ ना कुछ। से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी ये तैयारी मैं कितने दिनों से देख रही हूँ। अरे यार सालू इसी बात ना लाग रहा हूँ मैं। देखो मनदीप मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। के मतलब? वही मतलब है जो तुमने सुना है और मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और कितने मैडम क्या कमी थी? है क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बुक्स घूमने के लिए एक रोडवेज बस? नहीं नहीं मनदीप मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। ईसा क्या उसका दौरा है? क्या नहीं है उसके पास पढ़ा लिखा है सरकारी अफसर का टेस्ट क्लियर कर रखा है और क्या चाहिए? वो तो मैं भी कर लूंगा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला भाई। अरे यार सालू सुन तो। बस मनदीप अब ना ही तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। अरे सालू यार रुक तो सही सुन यार मैं तेरे बिना ना रखता यार। मनदीप मनदीप क्या हो गया मेरे भाई? अरे वो क्या हाल बना रखा है? अरे यार सालू क्या हो गया सालू का? अरे यार रोड फिटना तराई फिर अच्छा तो यह बात है। हाँ यार तू ही बता मैं क्या करूँ के गरीब होना भी पाप से के गरीब आदमी प्यार नहीं कर सकता कि सब के पीछा तो है। मान हो भाई सब के मेरा प्याना होता पर यह भी सच है कि सब के मेरा प्याए तो वो है। मैं क्या करूँ यार उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। पागल है के तू उसने तेरे गल गलत कराया है उसने जवाब दे तू। क्या करूँ वो कर दियो जवाब उसने। उसने भूल जा और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दे कामयाब हो जा सब तो बड़ा जवाब ही होए है। पर यार ये मेरा पढ़ाई में भी तो मन ना लगता यार। लागा गा मंदी पे तू कर सका है सालू ना भूल जा और अपने बाप की ओर देख कामयाब हो तू। Oh
अरे मनदीप वाह यार, मेरा भाई आई है बन गया यार। तन हौसला ना बढ़ाया था ना, आज कुछ नहीं होना था भाई। इसके पास छोर के सके भी आते है। हाँ, उस धोखेबाज वेवफा का ने वेवफा ना का मेरे भाई, उसने बहुत बड़ा त्याग करया है। क्या मतलब है? हाँ सुन तो, मनदीप मैं तेरी पढ़ाई पे इतना खर्चा करन लाग रहा, सब की मैं कुर्बान कर रखा, जमीन ते ही जान की नौबत आ रही और तू मन नहीं धोखा दे रहा है। ना बेटा, ऐसा काम मत ना कर। काका राम राम। राम राम बेटा, तेरे ते एक बात पूछनी है। हाँ काका बूझ। सच्ची सच्ची बताइए बेटा। ठीक है काका। बेटा वह छोरी कौन है जो मनदीप के लिए घूमया करे? छोरी? हाँ छोरी। काका वह तो सल्लू है। कौन सल्लू? काका सल्लू और मनदीप एक दूसरे से घना प्यार करे हैं और शादी भी करना चाहे हैं। बेटा मुझे एक बार मिलवा दे उस छोरी से। पर काका मैं तेरा गाज जोड़ू, तेरे पाप पकड़ू बेटा, एक बार मिलवा दे। ना काका न्यू ना करे, मैं बात करूं। पर मनदीप ने नहीं तेरा लगना चाहिए। ठीक है काका, कोई नहीं बताऊं। हेलो शालू, कित है यार? एक बार मिलना था, कुछ जरूरी काम है। ना ना मनदीप ने ना बताइए यार, किसा की जिंदगी सवाल है। ठीक है पार्क में आ जा तू। चल काका पार्क में आओ है। हाँ रवि, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी थी? बेटा बात इसने नहीं, बात मन न करनी तेरे। आप कौन? ये मनदीप के फादर हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ अंकल जी, क्या बात करनी है आपको? तमन तेरे और मनदीप के रिश्ते के बारे में पता चला है। हाँ अंकल जी, मैं और मनदीप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। बेटा दिक्कत तो मन ने भी कोई को नहीं, मैं एक गरीब मजबूर बाप, मन मनदीप कर्जा ठठाई पड़ा रखा है। मुझे पता है अंकल जी, पर मनदीप तैयारी कर तो रहा है। तू सियाणी बेटी है, जै कि मैं उकचुक होगी ना तो मैं मरण पर मजबूर हो जाऊँगा। मेरी धरती माँ तक गिरवी पड़ी है। प्लीज अंकल जी ऐसा मत कहिए। अंकल जी सही कहूँ है सालू, घर के हालात बहुत खराब है। ठीक अंकल जी, अगर आप यही चाहते हैं ना तो करती हूँ मैं कुछ। ठीक है बेटा। सालू ने तब बयो नाटक करया था और उस नाज भी शादी ना करी है, तेरी बाट में हुआ। अरे यह बात है कि तेरा सच्चा था, उन्होंने बताई क्यों ना? रुक सालू। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम तुम पे सिर्फ और सिर्फ प्यार का बुझ सवार था, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। तने बेरा तेरे जाब से मेरा क्या लगा था? तो मैं कौन सी खुश रही हूँ, मैं आज तक मिस करती हूँ तुम्हें। हाँ मनदीप, मेरी और सालू की बात होती रही है। सालू आई लव यू। लव यू टू। चलो पापा के पास चलते हैं, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। चल बेट। राम राम साहब, कई दिन है पैसे टाइम पर लौटा दिए, इब न्यू करे मोहलत तेरी होली खत्म है और अपना गुट्टे काटे लगा दे फिर। क्यों के वार करनी अपन है? चल पटवारी साहब लगवाओ गुट्टे काटे। ले भाई रमेश लगाऊं ठाड़ा? मैं को लगांदा गुट्टे। देख भाई रमेश, अंगूठा तो मैं इस पर लगाना पड़ेगा ना, फिर हम करा कानून कार्रवाई, उसमें तेरा नुकसान है मारा नहीं से। पर साहब जी, कोई साहब जी नहीं आड़े, जमीन तो तने देनी पड़ेगी, प्यार तो देगा तो दो आना और इसकन दुआ दूंगा तने, ना फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर काट दा अंडागा, तने जा अच्छा लग गया कोर्ट कचहरी में चक्कर काट दा तो बेसा गांड ले मारा कोई दिक्कत को नहीं।
गरीब पर मेहर करो, मेरी माँ पर की जमीन मेरे पर ना खोसो। क्यों लेवा था लोन? क्यों धरा था ये कागज जमीन गण है? तने बेरा नहीं था, कानून कार्रवाई का? मेरे तो बताइए कानून की बात कर रहा है। तू कौन भाई? ये रमेश का बेटा, इस एरिया का नया कलेक्टर। कलेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो साहब जी, गलती हो गई भर पे। हमें माफ कर दूं? हमेशा काम करो, गरीबा की जमीन हड़पो है, थारे पे तो कानून कार्रवाई होनी है। पर मेरे पीछे, तेरे पीछे इतना मिल जाएंगे रिश्वत लेने के, अरे गरीब किसान दमकान के, थारे पे कानून कार्रवाई होनी है। वरी साहब किसान ले आडे तो इतना तो देख ले, हाजिर कर अपन ऊपर कानून कार्रवाई होगी। के नोटिस करने भेजूंगा। बेटा मंदीप, कलेक्टर लग गया, आज तने मेरा सीना तोड़ा कर दिया, आज मेरा सर ऊंचा उठा दिया बेटा तने। बाबू मन माफ कर दिए, मैं तेरी परेशानियां भूल की खुद के सपने पूरे करने चल पड़ा था, यो तो ठीक करा तने सही टाइम पर संभाल दिया। बेटा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें सालू बिटिया ने पूरा साथ दिया है, मैंने इसी ये बहुत ये है। काका कर लेना सालू के पापा ते बात है। हाँ बेटा जरूर, आज ये करूँगा। क्यों बेटा सालू?